स्वागत है आपका आवाज न्यूज। राजस्थान में राशन नगर की ग्राम पंचायत 22 पीटीडी में वाटर वर्क्स निर्माण कार्य में बार बार कहने के बावजूद भी घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। आज हंसराज कालुंदा के नेतृत्व में आज काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए। हंसराज कालुंदा ने जलदाय विभाग के IN बलविंदर सिंह से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि बाहर हूँ, कल 11 बजे मौके पर पहुँच जाऊंगा, फिलहाल काम रोक दिया गया है। इसी के साथ हमारे फोन लाइन पर नायक समाज के तहसील अध्यक्ष हंसराज नायक जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी है जो लेने की कोशिश करेंगे। जी हंसराज बताइए, 22 पीटीडी में वाटर वर्क्स में निर्माण चल रहा है, क्या मामला है, पूरी जानकारी है जो विस्तार से बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ जी कि आप जो मीडिया के द्वारा हमारे जो वाटर वर्क्स में चल रहा है उसका आप मामला उठा रहे हो जी। तो वाटर वर्क्स ग्राम पंचायत 22 पीटीडी में जो वाटर वर्क्स निर्माण हो रहा है जी, तो उसमें सामग्री है घटिया स्तर की लग रही है जी। तो ईंट भी यानी के 2 नंबर की जो कहते हैं वो लग रही है, और उसमें जो ये सीमेंट है वो भी बहुत घटिया स्तर का, यानी के गुणवत्ता में बहुत ज्यादा कमी है। तो हमने पूछना चाहता हूँ, क्या इस वाटर वर्क्स में जो घटिया कार्य चल रहा है उसके अधिकारियों को सूचना दी है या नहीं दी है? हमने इसके बारे में IN साहब से एक बार बात की थी और आमने सामने, तो उन्होंने हमें का आश्वासन दिया था कि बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता पूर्वक सामग्री लगाई जाएगी और हमें IN का आश्वासन उन्होंने दिया था। फिर पहले वो काम ठीक ठाक चल रहा था, तो बाद में दोबारा उन्होंने वही अपना यानी घटिया सतर्क सामग्री का शुरू कर लिया। मेरे को इसमें मजा आ गया। एक और क्वेश्चन मेरा है, यदि वाटर वर्क्स कार्य का सही ढंग से नहीं किया तो क्या आपके द्वारा ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा? हाँ, यदि हमारी सुनवाई का मैंने आज IN साहब से बात की थी और ठेकेदार से बात भी की थी, इन्होंने हम कल का बताया है, और कल यदि हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन चाहे हमें आमरण अनशन क्यों ना करना पड़े तो हम करेंगे। इस बात का आपको आपने जो ठेकेदार है उनसे भी आप बातचीत करने की कोशिश की थी? हाँ बिल्कुल, आज हमने फोन द्वारा IN साहब से ठेकेदार से बात की थी, उन्होंने हमें कल 11 बजे का समय दिया है कि कल हम 11 बजे आकर आपसे बात करेंगे, और यदि वो हमारे इस वाटर वर्क्स में निर्माण कार्य में सामग्री में गुणवत्ता में यानी क्वालिटी बढ़िया देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसके प्रति आमरण अनशन तक करेंगे जी। ठेकेदार ने पिछली गलती मानकर आगे गुणवत्ता में सुधार करने का आश्वासन दिया है। कालुंदा ने कहा कि वाटर वर्क्स का सही कार्य नहीं किया तो धरना दिया जाएगा। इस मौके पर वार्ड पंच मदनलाल नायक, उप सरपंच दीपक, पूर्व सरपंच सीताराम, वार्ड पंच परमजीत सिंह, हाकम सिंह, नंदराम दुगरिया, कालू सिंह व साहिबराम स्वामी, वार्ड पंच सूरज भान, अंग्रेज सिंह, सुभाष सिंह, हंसराज भाटी आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदराम दुगरिया। लगा हुआ है ईंट भी बहुत पीली यानी कि कच्ची ईंट है बिल्कुल, और इसमें जो सीमेंट भी लगा है बहुत घटिया सत्तर, यानी कि मेरे को यानी कि ठेकेदार जी ने 15 mm का कहा था, सिर्फ ओनली 14 mm का मिसाला लगा हुआ है, बहुत घटिया सत्तर, और ईंट उठाई नीचे से पानी आ गया, यानी कि लिफाफा भी बहुत घटिया सत्तर का लगा हुआ है, कहीं लगाए कहीं नहीं लगाए। तो अब IN साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा है भी हम कल आएंगे और बैठ कर बात करेंगे, मिस्त्री भी चेंज करेंगे और क्वालिटी बढ़िया करेंगे, यदि कल तक नहीं हुआ तो हम ये यहाँ धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठेंगे पूरे ग्रामीण। आप बताइए स्वामी जी, मदन लाल जी, ये देखिए जी, हम 3 दिन यहाँ पर आए थे, 3 दिन यहाँ पर हमने काम रोका था, यहाँ पे हमने काम रोका तो इन्होंने बोला, ये बोलते हम नहीं करेंगे, हमने बोला उधर काम करो, इन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी करके इधर काम किया है, और ये आपके सामने देख रहे हो क्या हो रहा है। आपने IN का फोन किया, आप वार्ड मेंबर भी हो, क्या बताया आपको? 3 दिन तक हमारा करता रहा, 3 दिन तक IN साहब जी। अच्छा, आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, घंटे में आ रहा हूँ, ये बोलता रहा। अच्छा, अभी तक नहीं मिला आपको? 4 दिन हो गए।